जी नमस्ते, प्रणाम, बढ़िया है भैया, आप बताइए। क्या कुछ हो रहा गोरखपुर में, जरा बताएं दर्शकों को। जी आज हम लोग एक फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म हम यार है तुम्हारे, जिसका हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं शूटिंग यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन कलाकार है फिल्म में? जी लीड तो मैं कर रहा हूँ, हमारी को एक्ट्रेस रूपा जी है, अनुष्का जी है, यामिनी जी है, ब्रिजेश जी है, धामा जी है, अमित शुक्ला जी है, राजा बाबू है, जय भैया है, कई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज देख रहा हूँ आइटम सॉन्ग चल रहा है, कौन आर्टिस्ट है इसमें? जी आइटम सॉन्ग कर रही हैं हमारे अनामिका जी जो कि बहुत ही बेहतरीन डांसर है, उनका और अमित भैया का सॉन्ग चल रहा है। अच्छा, क्या कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में आपके लिए? बिल्कुल, इस फिल्म का कहानी बहुत अच्छा है, क्योंकि बीरू ठाकुर जिन्हें राइट किया है उन्होंने लिखा है, और इस कहानी को बहुत दिल से लिख रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में वो इन्वॉल्व भी है। और इसके फिल्म की कहानी तो है, ये कहानी अच्छी है, इसके बावजूद भी इसके जो सॉन्ग्स हैं, जो गाने हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, कि जो कि राजेश झा ने गाने को बनाए, म्यूजिक बनाए हुए। कितने गाने हैं टोटल इसमें? टोटल 7 गाने हैं। फिल्म के डायरेक्टर को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, डायरेक्टर हमारे बहुत बेहतरीन डायरेक्टर अजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके पहले बड़ी फिल्में कर चुके हैं उन्होंने, सैयद सुपर स्टार, ठोकदम जैसी बड़ी फिल्में की हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। प्रिंस जी, काफ़ी लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें उथल पुथल चल रही है, क्या कुछ आपके लाइफ में उथल पुथल रहा है? जी बिल्कुल, एक साल तो बहुत डिस्टर्बेंस रहा हमारे लिए ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए, लेकिन अब एक अच्छी शुरुआत हो रही है, अच्छा माहौल बन रहा है, जो कि ये कोरोना जैसे महामारी से जंग हम लोग जीत रहे हैं, और अच्छा शुरुआत अच्छी हो रही है। फिल्म के देखा जाए तो काफ़ी अधिक मात्रा में भोजपुरी लॉकडाउन में शूटिंग शुरू हुआ है, जी इस पर क्या भोजपुरी इंडस्ट्री प्रभाव पड़ेगा? नहीं बिल्कुल, बहुत एक साल की गैपिंग के बाद हम देख रहे हैं कि जितने शूटिंग हो रही है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, कि हर जगह पूरा इंडिया, दुबई लॉकडाउन के बाद, माने हर क्षेत्र में, हर जिला, हर राज्य में शूट चल रहा है, तो ये भोजपुरी के लिए, हम लोग के लिए गर्व की बात है। प्रिंस जी, और कौन कौन सी फिल्म आपकी आ रही है रिलीज पे? रिलीज पर अभी हमारी है नरसिम्हा है, रामकृष्ण बजरंगी है, अभी विदाई 2 बनी हुई है वो है, बाकी आगे चल रहा है सब, इसके बावजूद भी कई फिल्में हैं। पवन सिंह को लेकर हमेशा फिल्म डायरेक्टर सुजीत जी फिल्म बनाते हैं, आपको लेकर बना है बहुत बड़ी फिल्म है नरसिम्हा, उससे आपको क्या उम्मीद है? जी नहीं, नरसिम्हा एक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है, फुल एक्शन पैक्ड फिल्म है, और सुजीत कुमार जी जो कि काफ़ी हिट फिल्में दे चुके हैं वो डायरेक्टर है, और उस फिल्म का राइटर भी हमारे बीरू ठाकुर जी है, अब बहुत मतलब बड़ी फिल्म बनी है नरसिम्हा। कब तक रिलीज हो सकती है नरसिम्हा? अब 15 जनवरी के आसपास हम लोग ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, उसके बावजूद जैसा माहौल रहेगा हम लोग फिल्म लॉन्च करेंगे। सिनेमा और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? पर्सनल लाइफ में तो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, सिनेमा लाइन में अच्छा चल रहा है मेरा, मतलब अभी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, बड़ी बजट की फिल्में हैं, अच्छे मेकर के साथ फिल्में हैं, तो अभी अच्छा चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के बनाने की घोषणा किया है, उस पर अभी कुछ राय? बिल्कुल, देखिए अभी तो सारे हमारे सीनियर लोग साथ में लगे हुए, मनोज जी, रवि जी, धीरेश भैया, ये सब लोग लगे हुए, हम लोग साथ साथ में चल रहे हैं। योगी जी के साथ साथ आजकल भोजपुरी मेगा स्टार रवि किशन का भी क्षेत्र कहा जाता है गोरखपुर, जी क्या उनके बारे में विचार है आपके? नहीं बिल्कुल, रवि भैया इस क्षेत्र के लिए, गोरखपुर के जनता के लिए, यहाँ माने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं के चलते हम लोग आज यहाँ पे हैं। योगी जी तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मार्गदर्शन रवि भैया है, और उन्हीं के चलते हम लोग यहाँ, उन लोगों का उनका बहुत सपोर्ट है, या बहुत हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ में फिल्म लाइन में, तो हम लोग उन्हीं लोग के चलते आए हुए हैं, रवि जी के चलते ही हम लोग शूट कर रहे हैं। उनका सुबह आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, वो आज किसी कारणवश से यहाँ नहीं है, किसी अर्जेंट काम से बाहर है, लेकिन बीच में वो आएंगे। और क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? बिल्कुल भैया, भोजपुरी को आप लोग आगे बढ़ाइए, जो अश्लीलता थी वो बिल्कुल अब खत्म के कगार पे है, सब साफ सुथरी फिल्में बन रही है, जितने हमारे को आर्टिस्ट है, जितने एक्टर है, सारे अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, तो भोजपुरी को आप लोग आगे बढ़ाइए, और अपने भाई प्रिंस सिंह राजपूत को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद सर।